पैटर्न देखते हैं टू फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम बनाएंगे वन, क्लियर, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह वन बनाएंगे। वन बनाने के बाद हमें क्या करना है, अब जाना है वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड यानी हमें पहले इसके नीचे जो सेकंड एलिमेंट होगा वहाँ फिर बनाना है ज़ीरो, क्लियर। जैसे यहाँ पर ज़ीरो बनेगा फिर हम दोबारा अगेन जाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर हम अगेन बनाएंगे ज़ीरो, क्लियर। यानी ये होगा पहला ऑपरेशन यानी पहला पैटर्न। सबसे पहले हम बनाएंगे वन, फिर हम उसके नीचे जाएंगे डाउनवर्ड, फिर वहाँ बनाएंगे ज़ीरो, फिर अगेन और डाउनवर्ड, फिर वहाँ बनाएंगे ज़ीरो। जब ये वाली साइड कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम जाएंगे डायगोनल वाइज, यानी पहले हमने यहाँ वन बनाया था, अब हम जाएंगे इधर, यानी अब हम बनाएंगे वन इधर साइड। अगला जो वन बनाना है वो आपको किधर बनाना है, इधर। अब देखिए जैसे ही यहाँ वन बन जाएगा तो क्या करना है आपको, इसके ऊपर वाले एलिमेंट में बनाना है ज़ीरो, फिर बिल्कुल सेम इसके जो नीचे एलिमेंट होगा वहाँ भी बनाना है ज़ीरो, क्लियर। फिर हम जाएंगे थर्ड डायगोनल एलिमेंट में वन में, फिर वह अगेन वही इसके ऊपर जो एलिमेंट होगा वहाँ ज़ीरो बनाना है, फिर इसके अगेन ऊपर जो एलिमेंट होगा वहाँ ज़ीरो बनाना है। तो पैटर्न है फॉर 2x2 एंड 3x3। चलिए अब इन पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखिए आपको क्वेश्चन से और जल्दी समझ में आएगा कि कैसे पैटर्न हेल्प करते हैं इनवर्स फाइंड करने में। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है जनरली 3x3 मैट्रिक्स का है। हमें देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो कंडीशन है, हम सबसे पहले लिखेंगे ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। पहली कंडीशन हम लिखेंगे, ए जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, आइडेंटिटी इंटू किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती है ए, क्लियर। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू आई ए में यहाँ पर लेफ्ट साइड में ए की मैट्रिक्स कॉपी करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो होगा 0 1 2 2 2 3 एंड 3 1 1। ये हो गई हमारी ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम कॉपी करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और यहाँ पे जो राइट साइड में ए लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज़ फिक्स रखेंगे, क्लियर। ये हो गया हमारा गिवन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए हमें करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इधर लेफ़्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, जो कि यहाँ पर क्या है 0। हमेशा ध्यान रखें कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट अगर 0 आ जाए फर्स्ट रो का, तो हमेशा वहाँ पे इंटरचेंज प्रॉपर्टी बेस्ट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे। वो कैसे, यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे पास रो 1 है और इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो है रो 2। तो हम क्या करेंगे, जब भी पहला एलिमेंट 0 हो तो हमेशा इंटरचेंज कर दीजिए, या तो R1 को R2 से या फिर R1 को R3 से। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ R1 इंटरचेंज विद R2, क्लियर। आप R3 के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगी हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर 0 1 2 जो है पहुँच जाएगा सेकंड रो में और 2 2 3 आ जाएगा फर्स्ट रो में और इधर हो जाएगा 3 1 1। ये हमने इसलिए किया है जिससे 1 जो है इजीली बन जाए पहले प्लेस पर, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे हम करने के वाले हैं, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को बनाएंगे 1। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने के लिए जो नंबर है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे R1 में हमें 1 बनाना है, तो R1 गिव्स, R1 को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 2 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखिए हम यहाँ पे हमारे पास क्या आती है मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 1 1 एंड 3 बाई 2। अब देखिए ऑपरेशन सिर्फ R1 में लगाया तो बाकी रो आप ऐसे ही उतारेंगे 0 1 2 एंड 3 1 1। हम बढ़ते हैं आगे। अब बिल्कुल सेम इधर भी आपको R1 में किससे डिवाइड करना है, 2 से, बाकी एलिमेंट सेम 0 1 0 0 0 1, क्लियर। अब हमें देखिए यहाँ पे 1 बनाना था तो वो 1 बन चुका है। अब हमें करना क्या है, देखिए जब भी पहला 1 बन जाए यानी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहला 1 बन जाए तो हम उसके जस्ट नीचे जाएंगे, उसके जस्ट नीचे 0 है ऑलरेडी, आइडेंटिटी में भी यहाँ पर 0 आता है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। देखिए यहाँ पर लिखी हुई है 1 0 0, वही हमें यहाँ बनानी है। तो 1 बन चुका है, यहाँ 0 ऑलरेडी है, कुछ नहीं करेंगे। अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ 3 है, क्लियर। इस 3 को 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R1 की मदद लेंगे क्योंकि सबसे पहले हमने R1 में ही ऑपरेशन लगाया था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इधर 0 बनाने के लिए अब हम R1 की हेल्प लेते हैं। तो मैं ऑपरेशन लिखूँगा, मुझे 0 कहाँ पर बनाना है, R3 में। ये देखिए ये जो है हमारे पास रो 3 है,
तो आर थ्री गिव्स, यहाँ पे हम ऑपरेशन लिखेंगे आर थ्री गिव्स। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आर थ्री को आर वन में से माइनस अगर कर दूँ, वो भी कब, जब आर वन में अगर मैं थ्री का इंटू कर दूँ और माइनस कर दूँ तो ज़ीरो बन सकता है। तो देखिए ऑपरेशन है आर थ्री गिव्स आर थ्री माइनस आर वन में हम किसका इंटू करने वाले हैं, थ्री का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थ्री आर वन। अब देखते हैं कैसे ज़ीरो बनता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाया आर थ्री गिव्स आर थ्री माइनस थ्री आर वन। अब इस ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी ऑपरेशन आप लिखेंगे उस ऑपरेशन को आपको दोनों साइड लगाना है। अब देखिए यहाँ पर आर थ्री में सिर्फ ऑपरेशन है, तो बाकी जो रो हैं आर वन आर टू वो आपको सेम कॉपी करनी है, ज़ीरो वन टू। अब देखिए साइड में मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले है आर थ्री गिव्स आर थ्री, आर थ्री का पहला एलिमेंट कितना है थ्री, माइनस थ्री इंटू आर वन, आर वन यानी इसके जस्ट ऊपर जो रो है उसका पहला एलिमेंट लेना है थ्री इंटू वन, तो थ्री माइनस थ्री दैट इज़ ज़ीरो। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे देखिए हमने ज़ीरो बना दिया। अब बिल्कुल सेम ये जो रो थ्री है इसके सभी एलिमेंट में ऑपरेशन लगेगा। अब आते हैं सेकेंड एलिमेंट में, आर थ्री यानी वन माइनस थ्री इंटू आर वन यानी इसके जस्ट ऊपर सेकेंड एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो का, तो ये मिलेगा हमें माइनस टू। अब आगे बढ़ते हैं आर थ्री के थर्ड एलिमेंट में, आर थ्री यानी वन माइनस थ्री इंटू आर वन यानी इसका थर्ड एलिमेंट रो वन का थ्री बाई टू, तो ये हो जाएगा वन माइनस नाइन बाई टू दैट इज़ टू माइनस नाइन बाई टू दैट इज़ माइनस सेवन बाई टू, तो यहाँ हमें एलिमेंट मिला माइनस सेवन बाई टू, क्योंकि ये आर थ्री के लिए ऑपरेशन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आर थ्री यानी ज़ीरो माइनस थ्री इंटू आर वन यानी इसके जस्ट ऊपर पहला एलिमेंट वन बाई टू, तो हमें एलिमेंट मिला माइनस का थ्री बाई टू। अब अगर लगाएंगे हम सेकेंड एलिमेंट में, दैट इज़ आर थ्री ज़ीरो सेकेंड एलिमेंट माइनस थ्री इंटू आर वन इसके जस्ट ऊपर ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं वन, यहाँ पे देखिए आर थ्री यानी सबसे पहले है वन माइनस थ्री इंटू आर वन यानी इसके जस्ट ऊपर एलिमेंट ज़ीरो, तो हमें यहाँ से मिलेगा वन, सेम। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, हमने जो अभी कंडीशन अप्लाई करी थी पहला वन बनाना है, फिर उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है सबको ज़ीरो करना है, तो हमने वो कर दिया। अब हम क्या चलेंगे डायगोनल वाइज, यहाँ हमें मूव करना है। अब हम आएंगे इधर, अब देखिए यहाँ पर पहले से वन है, आइडेंटिटी में भी यहाँ वन होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वन अगर है पहले से, अगर बाई चांस यहाँ नहीं होता कोई और नंबर होता तो हम उसी से डिवाइड करके यहाँ वन बना लेते। अब देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस वन के ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या बनाएंगे, ज़ीरो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहले मैं इस वन के ऊपर ज़ीरो बनाऊंगा, तो उसके लिए ऑपरेशन क्या आएगा, यहाँ पर देखिए दोनों सेम एलिमेंट है। देखिए ये ध्यान रखिए यहाँ पर ये जो वन है इसके ऊपर और नीचे ज़ीरो बनाना, तो इसी की हेल्प लेनी है, यानी ये जो वन है ये रो टू में है आर टू में। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे ज़ीरो का बनाना है रो वन में, तो मैं ऑपरेशन लिखूँगा आर वन गिव्स। अब देखिए अगर मैं आर वन में से आर टू को माइनस कर दूँ, क्लियर है, तो यहाँ ज़ीरो बन सकता है इजीली, तो यहाँ मैं ऑपरेशन लिखूँगा आर वन माइनस आर टू। इस ऑपरेशन से हुआ क्या, वन माइनस वन हो जाएगा ज़ीरो, और ये जो ज़ीरो ये कहाँ स्टोर करना है आपको, यानी कहाँ लिखना है आर वन में, यानी यहीं पर। क्लियर हो गया, तो देखिए इस ऑपरेशन को हम लगाते हैं, तो देखते हैं हमारे पास मैट्रिक्स क्या आती हैं, करते हैं इस ऑपरेशन को यूज़ करना। तो देखिए सबसे पहले है आर वन माइनस आर टू, तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको जो ऑपरेशन लगाना है रो वन के सभी एलिमेंट में लगाना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आर वन है। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। आर वन यानी पहला एलिमेंट क्या है वन, माइनस इसके नीचे क्या है आर टू यानी एलिमेंट ज़ीरो, तो वन माइनस ज़ीरो हमें मिलेगा सेम वन। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट आर वन के सेकेंड एलिमेंट में, तो आर वन यानी वन माइनस आरमेंट आर टू का वन, और वन माइनस वन कितना हो गया ज़ीरो। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट आर वन है सबसे पहले यानी थ्री बाई टू माइनस इसके नीचे लेंगे आर टू टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको माइनस हाफ, तो यहाँ पे हमें मिला एलिमेंट माइनस हाफ। और देखिए ये ऑपरेशन सिर्फ आर वन के लिए था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाकी रोज को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ज़ीरो माइनस टू माइनस सेवन बाई टू। अब बिल्कुल सेम आपको क्या करना है, ये जो इधर राइट साइड में मैट्रिक्स है इसमें भी ये ऑपरेशन लगाना, तो ये देखिए कैलकुलेशन भी देखते चलिए आप साथ के साथ। यहाँ पर सबसे पहले है आर वन यानी पहला एलिमेंट है हाफ माइनस आर टू यानी सेकेंड एलिमेंट ज़ीरो, तो हाफ आ जाएगा सेम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी दैट इज़ ज़ीरो आर वन माइनस आर टू सेकेंड एलिमेंट वन, तो हमें मिलेगा यहाँ माइनस वन। नेक्स्ट ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, बाकी रो आपको ऐसे कॉपी करनी है माइनस थ्री बाई टू ज़ीरो एंड वन।
क्लियर। इधर अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको रूल बताया था, यानी इसमें बेसिकली आपको पैटर्न क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले वन बनाना है उसके नीचे सारे जीरो, फिर उसके बाद इधर वन बनाना है इसके ऊपर नीचे सब जीरो, फिर इधर वन बनाना है इसके ऊपर सारे जीरो। क्लियर, ये पैटर्न है बस। अब देखिए यहाँ पे हमें वन बनाना था, बन गया, इधर भी वन बनाना था, बना हुआ है, और इसके ऊपर जीरो बनाना है, जीरो बन गया। अब इसके नीचे चलते हैं, अब इसके नीचे हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस रो के एलिमेंट को इसमें टू का इंटू करके अगर ऐड कर दूं तो यहाँ जीरो बन सकता है, यानी ऑपरेशन कुछ इस तरह होगा। देखिए अब मुझे जो जीरो बनाना है वो बनाना है रो थ्री में, यहाँ पर, तो ऑपरेशन होगा आर थ्री गिव्स, जिस भी रो में आपको जीरो बनाना है वो पहले लिखेंगे आर थ्री गिव्स। अब देखिए आर थ्री पहले लिख लेते हैं, आर थ्री, अब यहाँ माइनस साइन है, जब भी दो अपोजिट साइन के नंबर हो तो हमेशा प्लस साइन यूज़ करना है, तो यहाँ पहले से माइनस है। अब देखिए आर थ्री यानी माइनस टू है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आर टू में टू का इंटू करके ऐड करूँगा, तो टू आर टू, जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखते हैं हमारे पास जीरो मिलता है या नहीं। अब देखिए इस ऑपरेशन को यूज़ करते हैं हम, तो यहाँ पर आर थ्री में ये ऑपरेशन लगाना है, तो बाकी रो आपको सेम कॉपी करनी है, वन जीरो माइनस हाफ जीरो वन एंड टू। अब देखिए ऑपरेशन लगेगा आर थ्री में, तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है आर थ्री, यानी एलिमेंट है जीरो, प्लस टू इंटू आर टू, यानी इसके जस्ट ऊपर नंबर जीरो, तो ये रहेगा सेम जीरो। अब नेक्स्ट है माइनस टू आर थ्री प्लस टू इंटू आर टू, यानी इसके जस्ट ऊपर है वन, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ जीरो। नेक्स्ट आर थ्री है माइनस सेवन बाई टू, फिर प्लस टू इंटू आर टू, यानी इसके जस्ट ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस सेवन बाई टू प्लस फोर, दैट इज हाफ, ये हमें मिलेगा हाफ। और इक्वल में सेम यहाँ पर ऑपरेशन लगाना है, पहले आर वन आर टू सेम हम कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए ये ऑपरेशन सिर्फ कहाँ लगाना है आपको, रो थ्री में, तो देखते हैं इस ऑपरेशन को लगा के क्या आता है रिजल्ट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले रो थ्री है माइनस थ्री बाई टू, यहाँ हम इसका देखिए ऑपरेशन का रिजल्ट यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले है रो थ्री में माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू प्लस टू इंटू आर टू, इसके जस्ट ऊपर जीरो है तो सेम माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इधर जीरो है आर थ्री में प्लस टू इंटू आर टू, इसके जस्ट ऊपर वन, तो यहाँ से हमें मिलेगा टू। नेक्स्ट आर थ्री यानी अगला एलिमेंट है वन प्लस टू इंटू, इसके जस्ट ऊपर जीरो, तो ये आ जाएगा सेम वन। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हम ऑपरेशन यानी पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यहाँ वन बन गया इसके सब नीचे जीरो, यहाँ वन बना के इसके ऊपर नीचे जीरो, और अब हमें क्या करना है, अब हमें इधर वन बनाना है डायगोनल वाइज, क्योंकि आइडेंटिटी में डायगोनल वाइज क्या होते हैं, वन। तो इधर वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन बाई टू, अगर मैं यहाँ टू का इंटू कर दूँ तो ये कैंसिल होकर वन बन जाएगा, तो वही लगाएंगे हम, यानी रो थ्री में आर थ्री, ये है आर थ्री, आर थ्री में हमें बनाना है वन, तो अगर मैं आर थ्री में टू का इंटू कर दूँ, टू आर थ्री, तो यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है, वन मिल सकता है। तो हम देखिए इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, यानी ऑपरेशन आर थ्री में लगेगा, तो आर वन आर टू आपको सेम कॉपी करने, जीरो वन टू। अब देखिए जब यहाँ टू का इंटू करेंगे तो ये तो जीरो ही रहेंगे, यहाँ हो जाएगा वन, बिल्कुल सेम आपको राइट साइड में भी ऑपरेशन लगाना है। आर वन आर टू पहले सेम कॉपी कर लेते हैं, अब देखिए जब यहाँ टू का इंटू करेंगे कैंसिल, माइनस थ्री फोर एंड टू। क्लियर, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ वन बन चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही जो एलिमेंट है इसको जीरो बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए जिस जहाँ भी जीरो बनाना है, अब हमें आर टू में जीरो बनाना है, तो सबसे पहले हम ऑपरेशन लिखेंगे यहाँ पर आर टू गिव्स आर टू। अब देखिए दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, जहाँ भी जीरो बनाना है उसके वन से हेल्प लेनी है, जहाँ वन बन चुका है। क्लियर, ये वन आर थ्री में है, क्लियर, दोनों पॉजिटिव हैं तो बीच में तो माइनस साइन आने वाला ही है। यहाँ टू है, यहाँ टू अगर बन जाए दोनों को माइनस करें तो जीरो बन जाएगा, यहाँ हम टू का इंटू कर लेते हैं, टू इंटू ये रो किसमें है, आर थ्री रो में है वन, ये ऑपरेशन होगा यहाँ पर। क्लियर, अब देखिए इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट आएगा, आर टू में लगाना है तो आपको आर वन तो सेम कॉपी करनी है। अब देखिए आर टू यानी सबसे पहले इधर है जीरो, जीरो यानी आर टू माइनस टू इंटू आर थ्री, यानी आर थ्री है नीचे इसके, तो ये तो जीरो ही रहेगा सेम। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट, आर टू यानी है वन सेकेंड एलिमेंट रो टू का, माइनस टू इंटू आर थ्री यानी इसके नीचे क्या है जीरो, यानी वन, ये सेम रहेगा वन। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आर टू है टू नेक्स्ट एलिमेंट माइनस टू इंटू आर थ्री यानी इसके जस्ट नीचे है वन, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जीरो, और रो थ्री के लिए है ये है नहीं ऑपरेशन, तो जीरो जीरो वन।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, R1 सेम कॉपी करना है। अब देखिए अगेन यहाँ भी रो 2 में हम ये लगाएंगे ऑपरेशन, तो सबसे पहले है यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू R3, यानी R3 रो का एलिमेंट है माइनस 3, तो ये सॉल्व करके आएगा प्लस 6। नेक्स्ट R2 है हमारे पास 1 माइनस 2 इंटू R3 का एलिमेंट 4, ये आएगा माइनस 7। नेक्स्ट ये है 0, 0 R2 है 0 माइनस 2 इंटू R3 यानी इसके नीचे 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4। और रो 3 आपको सेम कॉपी करनी है इंटू ए, क्लियर। अब देखिए हम पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ 1 बन गया, और इनके इसके नीचे 0 हैं सब, इसके ऊपर नीचे भी 0 हैं। अब यहाँ भी 1 बन चुका है, इसके ऊपर भी 0 है, बट यहाँ 0 नहीं है, क्लियर। यहाँ हमने 0 बना दिया, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 बनाना है। तो यहाँ 0 बनाएंगे कैसे, देखिए अब हमें 0 बनाना है R1 में, तो यहाँ हम ऑपरेशन लिखते हैं R1 गिव्स, R1 को लेते हैं पहले R1। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है, अब 0 यहाँ कैसे बनाएंगे, इस ये जो लाइन है किसकी है, इस लाइन में है, यानी कॉलम 3 में है, तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, 1 की, उसी लाइन के 1 से जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये किस में है, रो 3 में, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ प्लस साइन यूज़ करना है अपोजिट साइन के लिए। R1 प्लस, यहाँ पे देखिए हाफ आ रहा है, अगर मैं यहाँ भी हाफ से इंटू कर दूँ रो 3 में तो कुछ काम बन सकता है। तो देखिए इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, अब ऑपरेशन को इस फाइनल रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहले R1 गिव्स R1 प्लस हाफ R3, यानी ये आपको ऑपरेशन रो 1 के एलिमेंट्स में लगाना है। तो R1 है सबसे पहले 1, R1 सबसे पहले 1 प्लस हाफ इंटू R3, यानी ये है R3 का एलिमेंट पहला 0, तो ये हमें मिलेगा सेम 1। अब यही ऑपरेशन सेकेंड एलिमेंट में लगाना है रो 1 के, तो R1 सबसे पहले देखिए 0 प्लस हाफ R3, यानी इसी का सेकेंड एलिमेंट 0, तो ये सेम रहेगा 0। नेक्स्ट माइनस हाफ यानी R1 प्लस हाफ इंटू R3 यानी 1, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, हाफ माइनस का और 1 इंटू हाफ हाफ, ये कैंसिल आउट यानी 0। और इधर सेम ऑपरेशन आपको, सॉरी इधर सेम रोज कॉपी करनी है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिर्फ R1 के लिए था। और अब आप क्या करेंगे, इसी ऑपरेशन को लगाएंगे राइट साइड में, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको लेना है R1, R1 है देखिए हमारे पास हाफ, यहाँ पर R1 कितना है हाफ प्लस हाफ इंटू R3, यानी यहाँ पे है -3 एलिमेंट, तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, हाफ -3/2, तो ये हमें मिलेगा -2/2, दैट इज -1। सेकेंड एलिमेंट में यूज़ करते हैं इस ऑपरेशन को, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट आएगा -1, यानी R1 है प्लस, मैं इसको यहाँ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए R1 यानी सेकेंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, अब सेकेंड एलिमेंट R1 यानी है -1 प्लस हाफ इंटू R3 है सबसे नीचे 4, ये कैंसिल आउट 2 × 2 − 1, दैट इज़ 1। नेक्स्ट R1 है 0 प्लस हाफ इंटू R3 कितना है नीचे 2, ये कैंसिल आउट हमें मिलेगा यहाँ 1। सिक्स R2 और R3 सेम कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ ये R1 के लिए था। तो आप देख सकते हैं राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुकी है, यहीं पर क्वेश्चन होगा ख़त्म। बस आपको क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं I, और इक्वल में इसे सेम कॉपी कर लेते हैं −1 − 1 − 6 − 7 − 4 − 3 − 4 − 2 and A। हमें निकालना क्या था यहाँ A−1, तो A को हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में, ये सेम −1 − 1 − 6 − 7 − 4 − 3 − 4 − 2। अब देखिए I/A किसके बराबर होता है A−1, तो ये हमें मिल चुका है फाइनल आंसर।